बेन स्टोक्स ने हवा में उड़कर एक हाथ से बचाया, सिक्स देखने वाले भी रह गए हक्का बक्का। जी हाँ दोस्तों, पारी का 12वां ओवर सैम कुरेन डाल रहे थे और मिचेल मार्श स्ट्राइक पर थे। मार्श ने कुरेन की पहली ही गेंद पर तगड़ा शॉट लगाया, लेकिन जो कि सिक्स के लिए जा रहा था, बेन स्टोक्स ने हवा में डाइव लगाकर सिक्स को अपने हाथों से बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीनों मैचों की 2020 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कैनबरा में के मुनका ओवल मैदान में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य रखा। इस मुकाबले में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की फील्डिंग की जमकर तारीफ हो रही है। जी हां दोस्तों, स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया की पारी के 12वें ओवर में बाउंड्री पर हवा में उड़कर अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर 4 रन बचा लिए। उनकी इस फील्डिंग की अब हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। उनके इस फील्डिंग के बदौलत ही सिक्स बच गया।